से ही बात करना पड़ेगा आपके साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, वेलकम. कैसा लगा आपको खुद के पिक्चर का ट्रेलर? मैं बहुत यहाँ से पीछे से देख रहा था. हाँ और खुद की पिक्चर का ट्रेलर तो हर किसी को अच्छा लगता है. अच्छा, और मेरे को ऑलरेडी पिंजरे में बांध दिया था, बंद कर दिया था, तो मैं उसके अंदर से ही देख रहा था. आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर? लेकिन मजा ही आ गया. ये हालत आपकी की किसने? पिंजरे के अंदर घुस कैसे गए आप? मुझे एक्सपीरियंस ये है जो इनको. बोले हैं एक्सपीरियंस है सर. हमेशा ये ऐसे ही होता है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो जी शायद से कभी कभी ऐसा लगता है कि आप पिंजरे में हैं. तो ऐसे ही चिंटू त्यागी की लाइफ में भी ऐसे ही हुआ है. एंड वो पिंजरे में है और बाकी सब लोग बाहर हैं. ऐसे अच्छा लग रहा है, कुछ अलग है. यार, कार्तिक पर आर्यन कोई को को, निकाल लो, कोई बाहर निकाल चलो लो यार. कार्तिक आर्यन को पिंजरे से बाहर निकालेंगे. यहाँ पर मीडिया में से मेरे कुछ दोस्तों हैं जिनको हमने चावी दी. आपकी चावी से अगर कार्तिक आर्यन का ये पिंजरा खुल गया, कार्तिक आर्यन उसका आज घर ले जाना उसको. आइए, कौन कौन मीडिया में से आना चाहता है जस्ट टू ट्राई एंड ओपन दिस पिंजरा? नहीं सर, लड़की अरे वो है, वो है, आपको वो आना है. है तो आ जाइए सर. सर आप मुझे घर पे ले जाके क्या करेंगे? यार कोई आना नहीं चाहता कार्तिक आर्यन को घर आ लेने गया के आ गया, लिए. अच्छा, आ जाइए जी, वो कम आए ऑन वो आए. स्टेज, ऑन माय लेफ्ट. अरे बाप, नहीं कितनी बस चाबियां ठीक, है. चाबी है तो है, पता नहीं कितनी. चलिए जल्दी आ जाइए स्टेज पे. कैन आई हैव द कीज? हेलो. यू हैव टू जस्ट टेक वन की एंड जस्ट सी इफ द ताला इज गोइंग टू ओपन. ये पक्का है, चाबी नहीं होती. ये कैसी लग रही था? अच्छा, इसका भी सोनू नाम नाम सोनू है. है. सोनू आ जाइए, लगता है आपका सोनू भी भी. नहीं खोल पाए यार. आप अगर आप आज अपना भाग्य पढ़ के आइए तो खुल सकता है. पढ़ा है भाग्य सुबह सुबह? अच्छा, ये बराबर है चाबी. ये सर प्यार से, इसको वैसे प्यार से जूनो बुलाते हैं और सर जुन्नू बुलाते हैं. मतलब जुन्नू, सर राइट. जानबूझ के करते हैं, बहुत पर्पसली और हमेशा सर ये तुम्हें मैं अपने पति से. बुला रहा हूं आजकल. अरे सर. याद है ना तुम्हें? हाँ सर याद है सर, कुछ और पूछ रहे हैं सर. पढ़ के मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है, तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है. एंड एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं, ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है, आप देख रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है. एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस ऑल्सो. तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है. एंड एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले की हैं वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म होती हैं. एंड विच रिलेट्स, मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है. तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें. एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा, सो आई जस्ट जंप ऑन एंड आई जस्ट यू नो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. सर नहीं, मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर. चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या, एंड पत्नी है भूमि. और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर. भूमि, कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर. यकीनन यार आप तो हैं ही. कार्तिक को ही हमने जरूरत है आपको कार्तिक के कहने साथ की. आके फिल्म पे 4 चांद लगा दिए हैं, है ना? हाँ अनन्या, एकदम फॉर श्योर. एकदम. आई थिंक जब पहली बार मैंने, मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था, बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे. और जब मुझे पता चला अनन्या और कार्तिक है फिल्म में, आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है. इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया हैं. एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आर ओन वे इज़ वेरी क्रैकिंग. मुदस्सर सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब. मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा ओके, न्यू अवतार. और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीज़ें की है इस फिल्म में. थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी. जैसा ये साल रहा है मेरा, उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है, इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माय ईयर. एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स. और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं. फैंटास्टिक गाने हैं एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट. जी हाँ, मैंने सर,
हाँ, उनका सवाल खत्म हो जाए। मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी, क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है, और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है। तो हाँ, ग्लैमरस आई थिंक हमारे फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है, और हाँ मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग। हाँ तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी। आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज़्यादा बता पाएंगे, बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा। बट ये हाँ, ये एक चीज़ हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने, पंचनामा 2 में, उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई, सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था, क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी। भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के, बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी। एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं, तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा, बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी, इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज, विद द फिल्म एंड लव रंजन सर, तो वो उनका ज़्यादा वो है, लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी।